कंठस्थ नहीं हो जाएंगे। जब तक कोई भी चीज आपको कठिन क्यों लगती है, आपको कठिन इस वजह से लगती है क्योंकि आप उस चीज में फोकस नहीं करते दोस्तों। जब आप उस चीज में आप जिद ठान लीजिए कि ये चीज मुझे कैसे नहीं आएगी, अगर आपने जिद ठान ली कि मुझे ये चीज नहीं आएगी, तो मैं आपको निश्चित तौर पर यह बात कह सकता हूं कि आपको एक महीना जब लगेगा जब आप मैथ के हीरो बन जाएंगे। आप उसको पढ़ते नहीं, उसको ध्यान देते ही नहीं, जब आप उसको ध्यान देंगे ही नहीं तो आपको कैसे क्या होगा, जब आप उससे डरेंगे। अरे जो चीज डर लगती हो, एक अपने आप को वो बनाइए, अपने आप को एक एम दीजिए, सुबह उठते ही बोलिए हाँ मुझे आज ये काम करना है। आप ये सोचेंगे मुझे ये काम करना है तो करना, कैसे भी करना, कुछ भी करके करना है, मुझे ये काम करना है तो बस करना है। आप इस चीज पे जो है फुल कॉन्सेंट्रेट रखिए, पढ़ाई को आप जो है फोकस लीजिए, आप इधर उधर चीजों भूल जाइए, भूल जाइए ये हमें करना है, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है पढ़ाई पे, ठीक है दोस्तों। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज कठिन लगती है, जो अच्छी लगती है, आप उसी को लगाते रहते हैं तो आपको लगता है ये हमको बहुत आती है और हमको बहुत अच्छी लगती है, और जो चीज नहीं आती आप उसको कभी लगाते नहीं, आप उसको छूने तक की कोशिश नहीं करते हैं। आप उसको छुइए देखिए तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी। भाई जब तक आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तब तक वो आपको नहीं आती है, जब आपको वो आने लगती है तो आपको अच्छी लगने लगती है। तो आप जो है जो भी चीजें हैं आप हमेशा टारगेट लेना सीखिए, टारगेट छोटे छोटे टारगेट को बनाना सीखिए। जब छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे उसको अचीव करेंगे तो आपको जो अंदर से उत्साह आएगा वही आपको एक सक्सेस की ओर ले जाएगा दोस्तों।